वेलकम टू स्टडी विथ सौदागर आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे हासिल वाला जोर कैसे बनाते हैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा तो आपको दूसरा वीडियो देखना नहीं पड़ेगा इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए चलिए यहाँ पर हासिल वाला जोर हम बनाते हैं यहाँ पर दिया है तीन और नौ इसको जोड़ना है तो हमें यहाँ पर क्या करना है नौ पहले से था और तीन को जोड़ना है तो नौ तीन कितना होता है तो नौ को पहले लकीर खींच लेंगे जिनको शुरू से सीखना है जिनको नहीं आता है वो लकीर की सहारा ले एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ अब हमें तीन लकीर और खींच देना है तो तीन लकीर और खींच दीजिए एक दो तीन अब सबको जब जोड़ते हैं तो कितना आता है तो जोड़िए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह उस बारे को यहाँ पर इस तरह लिखेंगे तो अब ये क्या करते हैं बारे का यहाँ पर केवल दो लिखेंगे क्या लिखेंगे दो अब जो हासिल में यानी बाकी जो बचा कैरी जो बचा एक उस कैरी को आप इसमें जोड़ना है तो पहले इसको जोड़ लीजिएगा और जो कैरी जो बचा है उसको फिर जोड़ देना है तो सात और दो तो सात सात पहले हम खींच लेंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात और दो और खींचेंगे तो दो सात दो हो गया अब एक कैरी वाला था तो इसको भी यहीं पर लिख लेंगे तो अब इस सबको गिनेंगे तो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस तो ये सात दो नौ हुआ और ये कैरी वाला एक था तो नौ एक कितना हो गया दस अब दस कुछ इस प्रकार लिखते हैं तो दस को हम क्या करेंगे तो दस का केवल जीरो लिखेंगे दस का जीरो और कैरी फिर कितना बच गया एक जिसको बोलते हैं हासिल या बाकी ठीक अब क्या करना है? फिर अगली संख्या को जोड़ना है अब देखिए सब में आप लिख लिख कर नहीं बनाइएगा अब कुछ अपने से भी करना पड़ेगा तीन और दो है तो तीन तीन के बाद होता है चार और चार के बाद होता है पाँच यानी तीन दो कितना हो जाएगा पाँच और कैरी इसके बला था कितना एक तो पाँच कितना हो जाएगा छः उसको लिख देंगे अब कैरी नहीं बचा है यानी एक भी नहीं बचा है कुछ भी नहीं तो फिर अगली संख्या में हम किसी को नहीं जोड़ेंगे यानी जो रहेगा उसी को जोड़ कर रख देंगे तो छः है चार है तो छः के बाद क्या आता है सात उसके बाद आठ उसके बाद नौ उसके बाद दस यानी छः में चार जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा दस यानी जो संख्या में आपको जोड़ना है उसको पहले जो जोड़ना है उसको लिख लीजिए उसके बाद छः के बाद पढ़िए सात आठ नौ दस फिर दस दस लिखते हैं कुछ इस प्रकार एक पर जीरो दस होता है तो दस का क्या देंगे जीरो दस का जीरो कैरी वन कैरी कितना हो जाएगा वन तो वन यहाँ पर रहेगा तो कैरी कितना हो गया वन अब ये कैरी अगले वाले टर्म में जुटेगा तो सात और छ को जोड़ना है तो सात छः को कैसे जोड़िएगा पहले आप सात पहले से था उसमें और छः ऐड करना है कितना ऐड करना है छः तो सात पहले से था उसमें छः ऐड करना है छः को लिख लेंगे पहले एक दो तीन चार पाँच छ अब सात के बाद पढ़ेंगे सात के बाद क्या होता है आठ उसके बाद नौ उसके बाद दस उसके बाद ग्यारह उसके बाद बारह उसके बाद तेरह तो सात छः कितना हो जाएगा तेरह और इससे पहले कैरी भी था एक तेरह एक कितना हो जाएगा चौदह चौदह का क्या लिखेंगे चार चौदह के लिखेंगे चार फिर कैरी कितना बच गया एक एक बचा है कहने का मतलब हासिल वाला जोर में आपको वो जो कैरी बच जाता है उसको आप अगले टर्म में जोड़ा कीजिएगा तो फिर हम लास्ट टर्म है नौ और पाँच को जोड़ेंगे तो जो बड़ी संख्या रहेगा उसको पहले मान्य में रख लेंगे जो छोटी संख्या जोड़ना है उसको लिख लेंगे एक दो तीन चार पाँच ठीक उसके बाद नौ के बाद गिनना है दस ग्यारह बारह तेरह चौदह तो नौ पाँच कितना हो जाएगा चौदह इसमें कैरी वन था तो चौदह एक कितना हो जाएगा पंद्रह अब पंद्रह पाँच नहीं लिखेंगे अंतिम है इसलिए पंद्रह को टोटल पंद्रह ही लिख देंगे इस तरह आप हासिल वाला जोर बना सकते हैं अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए चलिए अगला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार अगला क्वेश्चन में दिया गया है चार और तीन को जोड़ना है तो पहले चार चार हमें पहले से मौजूद था और तीन को उसी में ऐड करना है तो चार के बाद क्या होता है पांच छे सात तो चार के बाद कैसे जोड़ेंगे चार के बाद पांच छ सात चार तीन कितना हो जाएगा सात अब सात तो एक ऐसे लिखते हैं सिंगल टर्म है तो इसमें तो कैरी कुछ बचेगा नहीं तो सात को साथ ही लिख देंगे जिसमें कैरी बचेगा उसी में हमको लिखना चाहिए तो नौ और पाँच को जोड़ते हैं तो नौ हमें बड़ी संख्या है और नौ को हम जान रहे हैं कि नौ के उसके बाद उसमें पाँच जोड़ना है ना तो हम जिसको जोड़ना रहेगा उसको पहले लिख लेंगे कितना लिखेंगे पाँच तो नौ में पाँच जोड़ेंगे तो नौ एक दस ग्यारह बारह तेरह चौदह तो नौ पाँच कितना हो जाएगा चौदह चौदह क्या लिखेंगे चार बाकी एक जिसको कैरी वन बोल सकते हैं ठीक उसके बाद अब इसको जोड़ना जोड़ना है तो बड़ी संख्या इसमें छः है उसको दो में जोड़ना है तो दो पहले लिख लेंगे यानी आपको टोटल नहीं लिखना पहले मैंने टोटल लिखकर बताया फिर मैंने आपको बोल रहा है टोटल नहीं लिखना धीरे धीरे आप चेंजिंग करिएगा कुछ दिन के बाद ऐसा चेंजिंग होगा कि आप छः दो आठ डायरेक्ट बोल दीजिएगा तो क्या करिएगा छः दो लिख देंगे तो छः के बाद क्या होता है सात उसके बाद आठ छः दो कितना हो जाएगा आठ और कैरी वन वाला है तो आठ है कितना हो जाएगा नौ अब देखिए नौ तो हम लिख दिए अब इसमें कैरी उरी नहीं बचा तो इसको छोड़ देंगे यानी अगले टर्म में किसी को कैरी नहीं बचा तो अगले टर्म को जो आएगा जोड़कर वही लिखेंगे तो तीन और दो तो तीन और दो को जब जोड़ते हैं तो तीन के बाद क्या हो जाएगा चार उसके बाद पाँच तीन दो कितना हो जाएगा पाँच पाँच तो ऐसे लिखते हैं तो पाँच में तो कैरी बचे ना तो पाँच को पाँच ही लिखेंगे ठीक उसके बाद देखिए अब है अगला टर्म सात और सात को जोड़ना है सात और सात को जब जोड़ेंगे तो आपको सात पहले अंक लिख लेना है सात हमने लिख लिया है ठीक अब सात पहले से था उसके बाद जोड़ना सात एक आठ आठ एक नौ नौ एक दस उसके बाद ग्यारह बारह तेरह चौदह यानी सात और सात को जब जोड़े तो हमें चौदह प्राप्त हुआ ठीक चौदह का हम क्या लिखेंगे चार चौदह क्या लिखेंगे चार और कैरी कितना वन कैरी कितना बचा वन फिर क्या करेंगे छ और दो को जोड़ेंगे अब यहाँ पर छ और दो को जोड़ेंगे तो दो ओनली फोर दो लिखेंगे उसके बाद छ के बाद बोलेंगे छ के बाद क्या होता है सात सात के बाद आठ तो छ दो कितना हो जाएगा आठ और कैरी भी, भी बचा था एक तो आठ है कितना हो जाएगा नौ ठीक इस प्रकार लिख लिए नौ अब देखिए यहाँ पर लास्ट संख्या है नौ और तीन को जोड़ना है तो नौ और तीन को कैसे जोड़ेंगे तो नौ बड़ी संख्या है तो बड़ी संख्या को आपको कुछ नहीं करना है छोटी संख्या है जो भी है एक दो तीन उसको लिख लीजिए उसके बाद बोलिए नौ के बाद दस ग्यारह बारह नौ तीन कितना होता है बारह और इसमें कैरी भी नहीं बचा है कुछ तो बारह को हम क्या लिखेंगे टोटली बारह लिख देंगे इस तरह आप हासिल वाला जोर बना सकते हैं आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और यदि आप लोग को यह वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए जय हिंद दोस्तों धन्यवाद